हे गाइस, आपके पैकिंग में अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर स्पेशली अगर किसी इवेंट या शादी पे जा रहे हो तो सबसे मुश्किल काम होता है आपको आपकी ज्वेलरी सेट करना। मुझे तो बहुत लगता है, आपको लगता है या नहीं लगता, बट रियली मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कौन सा किस पे सेट करूँ, कौन सा किस पे पहनूंगी। इस चक्कर में कई इयररिंग्स के पेयर मैं तो एक्स्ट्रा रख लेती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए अभी अभी एक दो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। अभी वो भी ढूंढना है कहाँ पर है। तो क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होते हो इयररिंग्स के पेयर रखने में या फिर चूड़ियों के सेट रखने में? मुझे तो कई बार समझ नहीं आता कि मैं चूड़ियों के सेट क्या रखूँ। तो मैं ऐसे ऐसे चूड़ी सिंपल से रख लेती हूँ, ज़्यादातर ये सब पे चल जाते हैं, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो सेट लगाने का। और शादी के दिन पहनने के लिए मैं तो ज़्यादातर चूड़ा रख लेती हूँ क्योंकि वो चूड़ा क्या है कि सब पे चल जाता है, इसलिए मैं वो रख लेती हूँ। सेट लगाने में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लगाऊँ। तो मेरा ज्वेलरी तो पैक हो गया, मैंने अपनी ज्वेलरी सेट सब कुछ रख ली। अब चूड़ी के बॉक्स को चूड़ी में रखनी है, तो ये मेरा ये ज्वेलरी पैक हो गई है और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। स्टेशन जा रही हूँ मैं, हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है। शादी में जाने की एक्साइटमेंट। तो गाइस, हम अपने ट्रेन का यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है। और ये मैं पहुंच गई हूँ आरा अपने मामा के घर। रात के 10:30 बजे मैं पहुंची थी, तो मेरे भाई सब भी मुझे लेने आए थे। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास क्योंकि अभी स्टेशन से आधे घंटे की दूरी पे मामा का घर है, तो हम लोग बाई रोड जा रहे थे। और ये मैं पहुंच गई अपने मामा के घर। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय।